अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं दुबई विलेज फूड। अरसा दराज से हम लोग यहां पर रह रहे हैं यूएई के अंदर, तो बहुत से लोग दोस्त अब आप कह रहे थे कि कुछ यहां की रेसिपीज़, कुछ इधर के खाने ट्राई करें, बनाएं और अपने दोस्तों वगैरह को और अपने चाहने वालों को दिखाएं। तो अभी हमने चैनल बनाया इंशाल्लाह, तो इधर की रेसिपी जो है वो हम लोग बना बना के आपको दिखाया करेंगे। जी, तो आज हम बना रहे हैं क्विल यानी बटेर बारबेक्यू, यानी चार कोल के ऊपर ये जो बटेर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। हमने लिए हैं 5 अदद बटेर। आप इनको अच्छी तरह वाश कर लें, वाश करने के बाद, धोने के बाद ऐसे इनको काटना है, इस तरह आप काट लें। तो फिर हम आए आपको बताते हैं कि क्या क्या स्पाइसेस और क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग डालेंगे। ये है कलवंजी, हम लोग इसे कलवंजी बोलते हैं। यहाँ पर इसको हब्बा सौदा और ब्लैक सीड्स कह लें आप, ये 1 टीस्पून। और ये अरेबिक मिक्स मसाला है, ये आपको किसी भी ग्रोसरी से अवेलेबल है, मिल जाएगा, ये 1 टीस्पून। और लाल मिर्च पिसी हुई ये 1/2 टीस्पून, ये ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते। और ये धनिया का पाउडर है, ये 1 टीस्पून। और ये है हल्दी पिसी हुई, हल्दी का पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करें, कितने आपका टेस्ट है कितनी क्वांटिटी यूज़ करें। मैं अभी 1 टीस्पून डाल रहा हूँ इसमें। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस 1 टेबलस्पून आप डाल लें इसमें। और बारबेक्यू सॉस वो भी 1 टेबलस्पून जाएगा। और इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, यानी 2 टेबलस्पून आप ऑलिव ऑयल डाल लें इसके अंदर। और ये हैं करीबन 4 to 5 पीस गार्लिक के और 1 स्मॉल पीस जिंजर। ये सब कुछ आप मिक्सी में डाल लें, 1 छोटा ओनियन और इसको 1 अदद टमाटो। और फिर जाएगा इसमें करीबन 3 या 4 ग्रीन चिल्ली। और इन सब को आप अच्छी तरह मिक्स करके इसमें मिक्सी में पेस्ट बना लें। ये सब, ये जो हमें मिक्सचर तैयार किया है मिक्सी के अंदर, ये आप इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट कर लें। स्पून से भी कर सकते हैं, हैंड अच्छी तरह वॉश करके हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह पूरा मिक्स करके कम से कम 2 घंटे के लिए आप मैरिनेट करके इनको छोड़ दें, फ्रिज में रख दें, अच्छी तरह जो मसाले हैं स्पाइसेस हैं सारे इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है।
अभी हमारे चारकोल रेडी हैं, हमने पहले इनको कर लिया था तैयार। अभी हम इनको इसके ऊपर रखेंगे और इनको अच्छी तरह पकने देंगे। ये अब हम 5 से 8 मिनट तक 5, 7 मिनट, 8 मिनट तक एक साइड पे पकाएंगे, या ये आपकी आग के ऊपर है कि हीट कितनी है उसी हिसाब से हम इसको पकने तक इनको पकाएंगे। हाँ जी, अभी हमको इस साइड पर तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके थे, हमने चेंज करके साइड देखी है तो माशाल्लाह इधर से तो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम थोड़ा इसके ऊपर मेल्टेड बटर या घी या जो भी आप ऑलिव ऑयल कुछ भी आप पुट करना चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्रश के साथ लगा दें, इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जी, अब हम इस दूसरी साइड इसको चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी बटर लगाएंगे, थोड़ा मक्खन लगाएंगे। माशाल्लाह इस साइड से तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाएंगे इसके ऊपर भी। अब बटर भी मेल्ट हो चुके हैं अच्छी तरह, तो ये सारा इसके ऊपर अच्छी तरह लगा लेंगे। जी, अब माशाल्लाह क्विल रेडी हो गए हैं जनाब बटेरे। अब हम आपको दिखाते हैं इनको सर्विंग प्लेट में डाल के। आए जी ना जी, ये लें जनाब, रेडी हो गए हैं क्विल ग्रिल, क्विल बारबेक्यू कह लें, क्विल टिक्का कह लें। आए अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सेम टिक्के की स्मेल आ रही है बारबेक्यू। जी, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि हमारी जो भी न्यू वीडियो होंगी हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।